दीदी मुझे नींद नहीं आ रही, मम्मी कब आएगी? साहिल मम्मा आ जाएंगी, तुम सो जाओ। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हमारे समाज में अक्सर महिलाओं के आत्मबल को कमजोर करने की कोशिशें की जाती रही हैं, और ऐसा करने के पीछे कुछ लोगों की ये विकृत मानसिकता होती है कि औरतें पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती। आज की ये कहानी ऐसे कई सवाल खड़े करती है जिनका अगर सही जवाब निकाला जाए तो समाज में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। हमारे समाज में औरत कामकाजी हो या गृहिणी, उन्हें रिश्तों और जिम्मेदारियों की ऐसी बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है जिनमें उन्हें मिलती है तो सिर्फ गुलामी। कभी माँ तो कभी बहन, कभी पत्नी तो कभी बेटी। क्या कुदरत द्वारा बनाया गया महिलाओं का कोमल हृदय सिर्फ हमारे शोषण के लिए बना है? क्या कभी हमने उन्हें नजदीक से जानने की कोशिश की है, उनकी इच्छाओं को समझने की कोशिश की है? एक मिनट, हाँ सुरेश, एक वाटर देना। मैडम सेठ जी ने दारू देने से मना किया ना आपको, बोला है कि पहले पुराना चुकार बहुत चढ़ चुका है। दे रही हूँ ना मैं पैसे, तो तुझे देख वाटर। अरे मैडम सुनो तो, पकड़ा सर, अरे मैडम चोर चोर चोर, पकड़ा सर। अरे भैया क्या बैलगाड़ी की तरह चला रहे हो, थोड़ा तेज चलाओ ना। अरे मैडम तेज तो तब चलाऊंगा जब पता चले जाना कहाँ है। अरे बता दो कहाँ जाएंगी आप। अरे भैया किधर भी लेके चलो ना, चलो। साला मुझसे पैसे मांग रहा था, बोलता पहले पुराने तो फिर नया मिलेगा, जानता नहीं मेरी वजह से कितनी चलती है इसकी दुकान। वो मैडम ये बोतल चुरा के लाई हो क्या? क्यों, तो पुलिस वाला है क्या? ऑटो चला अपना। ऑटो ऑटो क्यों रोका? ए मैडम बाहर आइए, आप बाहर आइए। मैं नहीं आऊंगी। बाहर आइए सर, आपस से आ रही है, पुलिस को फोन करो। तू क्यों इतना उछल रहा, तुझे तो दे रही हूँ ना पैसे। अरे नहीं चाहिए आपके पैसे, मुझे लफड़े में नहीं पड़ना। अरे चलना चलना, मेरे को भी तेरा मुंह नहीं लगना। हट, बेवड़ी कहीं की। अरे हट ना, तेरे बाप के पैसे की शराब पी रही हो क्या? हट हट। दरवाजा खोल, बताता हूँ कौन हूँ मैं। नहीं पहले आप बताइए कि आप हैं कौन। अरे तुम्हारी मम्मी दारू की बोतल लेकर भाग गई हमारे दुकान से। तेरी माँ किधर है? मुझे नहीं पता मम्मा कहाँ है, और मैंने आपसे कहा था ना कि उन्हें उधार शराब मत दीजिएगा, तो फिर आपने क्यों दी? ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत कर, तेरी माँ किधर है? अरे कहाँ जा रहे हो? बाहर निकल मेरे घर से। साहिल बेटा चाकू दिखाता है, चाकू की फैक्ट्री मेरे पास। अरे मिथि क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है क्या? तो कब तक बचाएगी अपनी माँ को, चल रे उससे अब कुछ नहीं होता है, चल। चार साल पहले अंजलि का अपने पति से तलाक हो गया था, जिसके बाद मानसिक तनाव में आकर अंजलि शराब की लत में डूब गई थी। वो अपनी माँ होने की जिम्मेदारी को भी ठीक से नहीं निभा पा रही थी। हर माँ की तरह अंजलि भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन नशा एक ऐसी आदत है जिसमें एक बार अगर कदम रखा तो बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता, और अंजलि की इन्हीं गलतियों का खामियाजा उसके बच्चों को भुगतना पड़ा। लेकिन ये हालात सिर्फ शुरुआत थे उस अंजाम के, जिसका अंदाजा किसी को ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। Alice was sitting near a river bank with her sister.
She was getting bored. दीदी मुझे नींद नहीं आ रही, मम्मी कब आएगी? शायद मम्मा आ जाएंगी, तुम सो जाओ। दीदी मम्मा जैसे लोरी सुनाती थी वैसे सुनाओ ना। अरे मिथि, इतनी रात में अकेली कहाँ जा रही हूँ? इस वक्त निकलना ठीक नहीं है, कहो तो मैं चलूँ साथ में। देखो भैया, आप मुझे हाथ मत लगाया करो वरना आपकी कंप्लेन कर दूंगी मैं। मेरी कंप्लेन करे? बताता हूँ। कहाँ चली गई मम्मा? सर अंजलि एक सिंगल मदर है, साहिल और मिथि उसी के बच्चे। अंकल आप मेरी मम्मी और दीदी को ढूंढोगे ना? बेटा फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द इन दोनों को ढूंढ निकालेंगे। सर कल रात से जब अंजलि घर नहीं लौटी तो साहिल को सुला के मिथिला प्यार से मुझे मिथि बुलाते, वो अंजलि को ढूंढने निकली। अब उसका भी कोई पता नहीं है सर, और अंजलि अपना मोबाइल भी ले जाना भूल गई। मिथि का भी फोन बंद आ रहा है। आप कौन हैं और अंजलि की फैमिली को कैसे जानते हैं? सर मैं अंजलि का दोस्त हूँ। 4 साल पहले अंजलि का डिवोर्स हुआ था, तब से वो अपने दोनों बच्चों के साथ हमारे सोसाइटी में रहती है। सर अंजलि के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो शराब बहुत ज़्यादा पीती है। इतनी ज़्यादा पीती आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप जाइए, हम इन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। चलो सर। अंकल आप मेरी दीदी को ढूंढोगे ना? हाँ बेटा। कल रात को अंजलि को यहाँ देखा? नहीं सर, शायद ये जानते हो क्योंकि दिन का वॉचमैन मैं हूँ और रात में ये रहते हैं। तुमने कुछ देखा था? ड्यूटी पे सो तो नहीं गए थे? बिल्कुल नहीं साहब, मैं ये गेट छोड़ के कभी नहीं जाता। कल रात अंजलि मैडम को तो नहीं देखा साहब, लेकिन हाँ साहब मिथि जरूर कल रात में बाहर जा रही थी। मैंने उसे मना भी किया कि रात में बाहर मत जाओ। देखिए आपकी पड़ोसन अंजलि के बारे में कुछ बात करनी थी। सर अंजलि के बारे में हम भी उतना ही जानते हैं जितना बाकी लोग जानते हैं, उसका तो रोज का है सर। देखिए नया ये है कि अंजलि के बाद अब मिथि भी गायब है, छोटी बच्ची, उसके गायब होने की क्या वजह हो सकती है? बेचारी मिथि माँ के चक्कर में खुद ही गायब हो गई। सर मैं तो कहता हूँ आप मिथि को ढूंढिए, अंजलि तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, किसी पार्क में या गटर में पी के पड़ी होगी वो। अंजलि के बारे में और क्या जानते हैं आप? एक नंबर की बेवड़ी है सर, पति तो उसका है नहीं, खुली छूट मिली हुई है, सोसाइटी का माहौल खराब करके रखा उसने, रात रात भर बाहर घूमती रहती है। बेचारी मिथि माँ के चक्कर में खुद ही गायब हो गई। सर मैं तो कहता हूँ आप मिथि को ढूंढिए, अंजलि तो कहीं ना कहीं मिली जाएगी, किसी पार्क में या गटर में पी के पड़ी होगी वो। अंजलि के बारे में और क्या जानते हैं आप? एक नंबर की बेवड़ी है सर, पति तो उसका है नहीं, खुली छूट मिली हुई है, सोसाइटी का माहौल खराब करके रखा उसने, रात रात भर बाहर घूमती रहती है। सर मैंने आसपास के लोगों से अंजलि के बारे में और भी जानकारी हासिल की है, उसे शराब की बहुत बुरी लत है,
इससे पहले भी कई बार रात रात भर वो बाहर थी, यहाँ तक कि दो दो दिन तक घर वापस नहीं लौटी। राज, मुझे अंजलि से ज्यादा मीथी की चिंता, छोटी बच्ची है, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। निकली तो थी वो अपनी माँ को ढूंढने, पर पता नहीं खुद ही कहाँ चली गई। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, मीथी की जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। आसपास के पूरे एरिया में मीथी और अंजलि की फोटो दिखाकर पूछताछ करो, और हाँ, इन दोनों की फोटो शहर के सारे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स और मुर्दा घरों में सर्कुलेट करवा दो। मोबाइल डिटेल्स भी निकलवाओ। इनको देखा था? हाँ साहब, मैं इनको देखा था, वो पार्क में रात को किसी को ढूंढ रही थी। कहाँ चली गई मम्मा? ठीक, डरो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। खाना खाया तुमने सुबह से? आओ चलो बाहर जाके कुछ खाते, चलो चलो। जब तक मम्मी आधी दिन नहीं आते, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ओ साहिल, अगर तुम्हारे मम्मा और दीदी को पता चला कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो फिर कितनी नाराज होंगे। आओ चलो 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 बाबा चलो। मिथी को लापता हुए लगभग 12 घंटों से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका था। एक नाबालिग लड़की होने के कारण पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए 24 घंटों का इंतजार नहीं किया, पर अब तक उन्हें मिथी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। पहले अंजलि और अब मिथी के गायब होने से पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। सर, आसपास के सारे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स और मुर्दा घरों में माँ और बेटी दोनों की तस्वीरें सर्कुलेट कर दी है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। हेलो, ओके ठीक है, हम पहुंच गए, समिति का पता चल गया। चलो सर, ये तो जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ। अच्छा, आसपास अच्छे से सर्च करो। साहिल बेटा, क्या सोच रहे हो? खाओ खाओ खाओ, सब ठीक हो जाएगा, खाओ। मम्मी और दीदी कहाँ होंगे? वो लोग अब तक वापस नहीं आए। पुलिस वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं ना, जल्दी आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मैं हमेशा मम्मी और दीदी के साथ ही खाना खाता, वो लोग भी तो भूखे होंगे ना। चल बेटा मत रो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुझे खाना नहीं खाना तो मत खा, फालतू मेरा टाइम वेस्ट मत कर। ए बिल्लर, ले तू भी ले, रिक्शा पकड़ के घर खुद चले जाना। अंकल, अंकल, लो बेटा पानी पी लो। बेटा डोंट वरी, रिलैक्स। बिटे बेटा, आपके साथ कल रात को क्या हुआ था? सर, कल रात मम्मा घर नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें सोसाइटी के आसपास चेक करके आती हूँ, शायद वो कहीं गिर गई होंगी। गार्डन वो हमेशा जाती है, मैंने वहाँ पे भी चेक किया, लेकिन वो नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि मैं ऑटो लेके आगे आगे देख लेती हूँ। जब मैंने ऑटो लिया तो वो ऑटो वाला मुझे कहीं और ही ले गया, और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बेटा, उस ऑटो वाले की शक्ल याद है आपको? बहुत अच्छे से तो नहीं सर, लेकिन उसका ऑटो
काफी ज्यादा कलरफुल था और उसमें ग्रीन कलर की लाइट्स लगी हुई थी। थैंक यू बेटा। मीठी ने जिस तरह के ऑटो की डिस्क्रिप्शन दी है, जवाहर नगर और पूरे एरिया में उसके बारे में पता करो और अंजलि के बारे में इलाके के पूरे सीसीटीवी कैमरास को चेक करो। मुझे लगता है आपने नशे की लत की वजह से अंजलि खुद किसी मुसीबत में न पड़ गई। पॉसिबल है सर। अरे बेटा भाई कहाँ चले गए थे तुम? हाँ कौन ले गया तुम्हें? अरे भैया ये लो, आओ देखो तुम्हारी बहन मिथी मिल गई है, आ जाओ। दीदी तुम कहाँ चली गई थी? सर प्लीज मत रो, मैं आ गई हूँ। रो मत बेटा, रोते नहीं है, पुलिस उस कमीने को जरूर ढूंढ लेगी और देखना जल्दी तुम्हारी माँ भी मिल जाएगी। मम्मी बेटा नहीं बेटा, तुम्हारी माँ अभी तक नहीं मिली, लेकिन तुम परेशान मत हो, वो जल्दी ही मिल जाएंगी, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। दीदी माँ मिल जाएगी। हाँ साहिल मिल जाएंगी। इसे जानते हो? जी सर। अंजलि, अंजलि के कुछ पैसे उधार थे तुम्हारे दुकान में, उसने जब तुम्हारे दुकान से शराब चुराई तो बदला लेने के लिए तुमने उसे उठा लिया। कहाँ रखा है, क्या किया उसके साथ? सर ना तो मैंने उसको उठाया है, ना मैंने उसको कहीं रखा हुआ है साहब। लगभग एक हफ्ते से तुमने उसको देखा तक नहीं और पिछले काफी दिनों से दुकान पर भी नहीं आई। साहब अगर आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसके एक्स हस्बैंड सतीश से बात कर लीजिए आप। सर उनकी शादी जरूर टूट चुकी हो पर झगड़ा उनके बीच में आज भी होता है। तुम्हें कैसे पता ये सब? साहब पिछले 25 साल से हमारी दुकान यहाँ पर है और इस इलाके की एक एक घर की खबर मेरे पास रहती है। अब तो मान जाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए किया ही क्या है? दारू के नशे में अपनी और तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। देखो चाहे कोर्ट का फैसला मेरे फेवर में हो या ना हो, जो होगा मैं देख लूंगा, लेकिन तुम दोनों अब मेरे साथ चलो। नहीं पापा, हम मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अगर हमें आपको अपने साथ लेके जाना ही है तो आपको मम्मा को भी साथ में लेके जाना होगा। कितना जहर भर के रखा है उसने तुम्हारे दिमाग में। पापा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। नहीं तुम रुको, हम चले जाते हैं। ठीक है चले जाइए, कोई शर्मत नहीं है मुझे आप लोगों की। मैंने कहा था ना रहने दो, ये लोग नहीं मानेंगे, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहो। वैसे भी ये दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ये दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा थे, है और हमेशा रहेंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। 4 साल पहले उनसे पीछा छुड़ाकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, अब देखो उनकी हालत क्या है। जो कुछ भी हो जाए ये बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे। मैं जो करना है सो करूं, मैं इनके साथ कभी नहीं रहने वाली। अरे अंजलि को ना सही, मुझे तो उनकी परवाह है, ये बच्चे मेरी भी जिम्मेदारी है। मिथि से मिली जानकारी की बिना पर पुलिस ने एक एक ऑटो वाले से पूछताछ की। हर गली, हर नुक्कड़, हर सड़क से जानकारी इकट्ठा की गई और हर एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। आगे ले जरा, चल। आ जाने साहब, बता दो मैं चलना। ठीक है साहब चलता हूँ। सर पैसे? पैसे चाहिए सब? सब क्या कर रहे हो सब? लड़की छेड़ता है सब? मैंने कोई लड़की छेड़ा? मैंने नहीं छेड़ा। सब शौक है, सब बहुत शौक है। मैंने कुछ नहीं किया सर। चल पैसे देता हूँ सब, मुझे छोड़ो सब, मैंने कुछ नहीं किया। मत मत सब 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 खड़ा खड़ा बोल सब सब, मुझे माफ कर दो सब, अकेली लड़की थी सब, मैं उसे जंगल में लेके गया सर, मुझे लगा मर गई वो, इसलिए मैं डर के भाग गया सब। सब मैंने कुछ किया नहीं सब। लोग आंखें बंद करके तुम पे भरोसा करते हैं कि तुम उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाओगे और तुम अच्छी तरह से मीटर डाउन करो इसका। तुम्हारे बारे में तुम्हारे ऑफिस से लेकर मोहल्ले तक हर जगह पूछताछ की, सब जगह से बस एक ही जवाब मिला कि तुम बड़े ही मतलबी किस्म के आदमी, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, इसीलिए तुमने अंजलि को भी छोड़ दिया ना। ना तुम्हें अंजलि की फिक्र है ना बच्चों की।
वो तो तुम्हारी दूसरी बीवी को कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए अचानक तुम्हारा पहली बीवी के बच्चों के बारे में सारा प्यार उमड़ा है। अगर मैं गलत हूँ तो क्या वो सही है? क्या उसे बच्चों की जिम्मेदारी का एहसास था? उसने बच्चे अपने पास इसलिए रखे ताकि उसे हर महीने मुझसे एलिमनी मिलती रहे और उन बच्चों को वो दारू नहीं उड़ा सके। दूसरों को गलत साबित करके हम खुद सही नहीं हो जाते। कल शाम से लेकर रात तक तुम कहाँ थे? मैं अपनी बीवी के साथ था। उस दिन सतीश मेरे साथ था घर पर। मुझे पता है सतीश मतलब ही है, उसे अपने अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। इसी बात से अंजलि भी डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए उसने ड्रिंक लेना शुरू कर दिया। लेकिन सतीश ने उसकी हेल्प करने की बजाय उसे उसी के हाल पे छोड़ दिया। ये सब बात मुझे शादी के बाद मालूम पड़ी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था ना। हो सकता है मर्डर के लिए किसी और को हायर किया हो। क्या बात कर रहे हैं आप? सर, उसकी शराब की आदतों की वजह से लीगली मैं उससे स्ट्रांग हूँ, तो उसे मार के मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? कोर्ट से इंसाफ मिलने में देर हो जाती है, इसलिए कुछ लोग अपने ही हाथ में तराजू पकड़ लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा भी सब्र टूट गया और तुमने ही? सर, मुझे उससे मिले हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सर, ऑटो वाले ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि उमिति को लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन अंजलि का हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। राज, इस केस की ऐसी कोई गली है जो हमें गोल गोल घुमा रही है। FIR के हिसाब से 22 तारीख को अंजलि गायब हुई, लेकिन उसके जानने वाले सारे लोग और शराब की दुकान वाले का ये कहना है कि पिछले एक हफ्ते से उन लोगों ने अंजलि को नहीं देखा। लगभग एक हफ्ते से हमने उसको देखा तक नहीं, ना ही उसके एक्स हस्बैंड से उसकी कोई बात हुई। सर, मुझे उससे मिले हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ना ही 22 तारीख को वॉचमैन ने उसे बाहर जाते हुए देखा। कल रात में अंजलि मैडम को तो नहीं देखा साहब, लेकिन हाँ साहब, मिति जरूर कल रात में बाहर जा रही थी। दाल में जरूर कुछ काला है। इस अंजलि के कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? सर, उसका फोन लास्ट 16 तारीख को एक्टिव था, उसके बाद से अब तक फोन इनएक्टिव है, और लोकेशन तो घर की दिखा रही है। अंजलि के गायब होने की रिपोर्ट केतन ने लिखवाई थी। अगर अंजलि पहले ही गायब हुई थी तो केतन ने झूठी कंप्लेंट क्यों लिखा? राज, इस केतन को पुलिस स्टेशन लेके आओ, इसकी खातिर करनी होगी। सर, अंजलि की मोबाइल फोन एक्टिविटी और इस केस से जुड़े बाकी लोगों के बयान के आधार पर पुलिस को ऐसा लगने लगा था कि शायद अंजलि 22 जुलाई से नहीं बल्कि उससे भी पहले से गायब थी। और जब पुलिस ने अंजलि की सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो मामला आईने की तरह साफ हो गया। उस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को 16 जुलाई की शाम को अंजलि बाहर जाती हुई दिखाई दी थी, जिसके बाद से अंजलि अब तक लापता थी। आखिर क्या हुआ था अंजलि के साथ और मिथि ने यह बात पुलिस से क्यों छुपाई थी? दीदी, खाना खा लो। खाना कहाँ से आया? विश्रा अंकल के घर से। तू खा ले, मुझे नहीं खाना। दीदी प्लीज थोड़ा खा लो। साई, मुझे नहीं खाना। मैं खिला देता हूँ। दीदी, मम्मी को कौन खिलाएगा? झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई तुमने? सर, सर मुझे नहीं पता वो कब गायब हुई। सर, एक हफ्ते पहले यानी 16 जुलाई को उसने मुझसे शादी के लिए कहा, मैंने मना किया तो उसने मुझसे झगड़ा किया। सर, उसके बाद से उसने मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। सर, सर मुझे लगा उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, इसलिए मैं उसके घर गया उससे बात करने के लिए। हाँ, मुझे सिर्फ साहिल मिला। और उसे मैं यहाँ ले आया। सर, सर आप ही सोचिए ना, अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो फिर मैं यहाँ पुलिस स्टेशन क्यों आता? अगर तेरे इरादे की तरह तेरी नीयत भी बदली होगी और तूने कुछ गलत किया होगा तो इसका अंजाम सोच लेना क्या होगा। सर, 16 तारीख के बाद मम्मा घर नहीं आई और मैंने पापा को भी इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि वो हमें अपने साथ ले जाते और मम्मा को भी नहीं ढूंढते। और मैंने केतन अंकल को इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि वो हमेशा मुझ पर गलत नज़र रखते थे। मम्मी को भी वो बुरी नज़र से देखते थे। सर, आप प्लीज़ मेरी मम्मा को ढूंढ दीजिए ना। झूठ कह रही है सर, वो लड़की झूठ कह रही है। वो जैसी दिखती वैसी है नहीं, वो अब तो बिल्कुल माँ पे गई है, अपने फायदे के लिए लोगों को यूज करती है।
मैं जानता हूँ कि आप मेरा भरोसा नहीं करोगे, आप उस मिट्टी का ही भरोसा करोगे, लेकिन मैंने आज तक उसे कभी गंदी नजर से नहीं देखा है सर। वो मेरी बेटी जैसी है सर। अच्छा, तेरी बेटी जैसी है? क्या ये अपनी बेटी के साथ तू ऐसी बातें करता है, ऐसे मैसेजेस भेजता है? कि सारे मैसेजेस तूने भेजे, पिछले 6 महीनों से अपनी बेटी जैसी लड़की को रोमांटिक शेरो शायरी भेज रहा है। और सुन, तू उसके बाप जैसा हो या ना हो, लेकिन हम तेरे बाप जरूर हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि तुझ जैसों को कैसे सुधारना है। नायक सर, 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 मेरी बात सुनिए सर। राज, अपनी जिंदगी में कुछ लोग इतने मतलबी होते हैं कि किसी और की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। वैसे मिथि के पास मोबाइल फोन है ना? हाँ सर। हर एक का मानना है कि पिछले 1 हफ्ते से उसने अंजलि को नहीं देखा। लगभग 1 हफ्ते से तुमने उसको देखा तक नहीं? तो पिछले 1 हफ्ते के अंजलि और मिथि दोनों के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और एक एक एक्टिविटी को अच्छे से चेक करो। सर, मिथि का? ये लड़की कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। पिछले 1 हफ्ते से उसकी माँ का कुछ पता नहीं है और उसने इस बारे में ना तो अपने पड़ोसियों से बात की, ना ही पुलिस स्टेशन आई। हमें बहुत बारीकी से तहकीकात करनी होगी। सर, दीदी दवाई खा लो। सर, मिथि के कॉल डिटेल्स आ गए हैं, लेकिन एक अजीब बात है। इन दिनों मिथि की किसी रंजन के साथ काफी बातें हो रही हैं और एक आइसोलेटेड जगह पर मिथि का फोन पिछले हफ्ते रेगुलर एक्टिव रहा। तोड़ दे ताला। सर, सर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से तो यही लगता है कि किसी को यह बंदी बना के रखा गया होगा। क्या यहाँ अंजलि को रखा गया होगा? हो सकता है। राज, फौरन पता करो कि ये जगह किसकी। सर, मिथि के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिलते ही सतीश को इस बात का एहसास हो चुका था कि अपनी बेटी को इस तरह अपने हाल पर छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। दूसरी तरफ पुलिस को अंजलि के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला था, लेकिन इतना साफ हो रहा था कि मिथि बहुत कुछ छिपा रही थी। पुलिस ने इस केस को एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक खंगालना शुरू किया। दीदी, अगर मम्मा नहीं आए तो हमारा क्या होगा? क्या हमें पापा के साथ रहना पड़ेगा? नहीं साहिल, मम्मा आ जाएंगी। पुलिस है ना, उन्हें ढूंढ निकालेगी। तू चिंता मत कर। सर, उस वेयरहाउस के ओनर के बारे में पता चल गया। कौन है उसका ओनर? रंजन जोशी। रंजन जोशी? इन दिनों मिथि की किसी रंजन के साथ काफी बातें हो रही हैं। ये वही है ना जिसकी मिथि से अक्सर फोन पे बातें हुआ करती थी? यस सर। लेकिन इस रंजन जोशी के साथ मिथि का क्या रिश्ता हो सकता है? ये रिश्ता तो रंजन जोशी ही बताएगा। चलो। बिना किसी मकसद के तो आप लोग यहाँ आए नहीं होंगे, लेकिन सॉरी, ना मैं इस औरत को जानता हूँ ना इस बच्चे को। देखिए रंजन जी, आपके नंबर से मीठी नाम की लड़की की कई बार बातें हुई और अब उसकी माँ अंजलि लापता है और आपके फार्म हाउस पे किसी को बांध के रखे जाने के निशान मिले हमें, और इतनी बातें काफी है हमारे लिए आपको हमारा मेहमान बनाने के लिए। लेकिन सर, ये दोनों नंबर तो मैंने अपने बेटे ईशान और रोमित को दे रखे हैं। मेरा फार्म हाउस बंद पड़ा है। कहाँ ये आपके दोनों बेटे और कहाँ पढ़ते हैं ये लोग? एमजी स्कूल। सर, मिथि तो एमजी स्कूल में पढ़ती है। पापा प्लीज, पापा मुझे, मम्मी मिथि मेरे साथ चलो। तुम्हारी माँ तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती, उसे दारू पीने से फुर्सत मिले तब ना। और तेरे अकेले के बच्चे नहीं है, ये मेरे भी बच्चे हैं और मैं इन्हें अपने साथ रखूंगा। अगर इन्हें ले जाना है ना सतीश, तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा, समझे तुम? अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमेशा अपने बारे में सोचते हो ना तुम, और मैं
मैं बस एक शोपीस बन के रह गई। मेरे अरमान, मेरी ख्वाहिशें, मेरा प्यार सबको कुचल कर तुमने दूसरी शादी कर ली और मेरे जीने का सहारा भी छीनना चाहते हो। इतना दर्द भी मत दो सतीश कि मेरा जीना ही मुश्किल हो जाए। देखना बेचारी बच्ची को, बाप छोड़ के चला गया और माँ दिन भर बेवड़ी की तरह पी के पड़ी रहती है, तनी क्या होगा बच्चों का। मम्मा, मम्मा, मम्मा पीना क्यों नहीं छोड़ देती हैं? पता है सब मुझे कितना चिढ़ाते हैं और आपका भी मजाक उड़ाते हैं। ओके बेटा, आज से पीना बंद। पक प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। थैंक यू मम्मा, चल अब मैं जाती हूँ। बाय बाय। कुछ नहीं होगा मम्मा, दरवाजा नहीं खुलेगा। हेलो, ओके ठीक है, हम पहुंच गए। सर मैंने ही आपको फोन किया था, देखिए बॉडी की बदबू आ रही है। सर बॉडी किसी फीमेल की लगती है, पूरी तरह से बॉडी जल चुकी है। राज कहीं अंजलि तो नहीं? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और अंजलि की फैमिली को शिनाख्त के लिए वहीं बुलवाओ। सर आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? राज सर, यहाँ ये देखो गाड़ी के टायर के निशान, हो सकता है बॉडी को कार में डाल के यहाँ डंप किया गया। गाड़ी शायद इस तरफ से आई थी। इस रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं सबकी फुटेज चेक करवाओ। सर हमें बॉडी पे मिला, मीथी की माँ को क्यों मारा? सर हमने किसी को नहीं मारा और ना ही सर मीथी ने कुछ किया। सर वो तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, हमने तो बस ये चाहा कि आंटी और मीथी की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए सर हमने उनकी मदद करी। मदद? कैसी मदद? सर मीथी हमारी बेस्ट फ्रेंड है और वो आंटी की दारू की लत को छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। ये क्या कर रही तू? हाँ पागल हो गई तू? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मर जाने दो मुझे। मीथी अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे बोल, हमसे सॉल्व करेंगे। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मम्मी रोज अपने आप को मार रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जिसको देखो हमारा फायदा उठाने चला आता है, सब गरीब आना चाहते हैं और वो किधर अपने भी अच्छे नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मम्मा जरा आपसे उड़ के तुम लोग प्लीज मेरी हेल्प करो। हमने मिलकर एक प्लान बनाया। तो सर हमने सोचा कि अगर आंटी को कुछ दिन बांध कर रखा जाए और उनको शराब ना दी जाए तो शायद आंटी की शराब की लत छूट जाएगी। सर मीथी अपनी माँ से शराब ना पीने के लिए सर रोज भीख मांगती थी। मम्मा
मम्मा आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप शराब छोड़ देंगी, छोड़ दीजिए ना मम्मा प्लीज। मिथी ये क्यों कर रही है तू? हाँ बेटा बेटा मुझसे नहीं छूटती है शराब, तू मुझे घर ले चलना। नहीं मम्मा, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि आप शराब के बिना रह सकती हैं, मैं आपको घर नहीं ले जाऊंगी। पागल हो गया है क्या मिथी? बोल मुझे मिथी, मैं नहीं छोड़ सकती शराब, मिथी प्लीज मुझे घर ले चल। सर 22 तारीख की रात को आंटी हमें चकमा देकर भाग गई। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो हमें कहीं नहीं मिली। यार क्या करेंगे अब? हाँ मिथी। हेलो मामा, ठीक है ना? मिथी आंटी तो भाग गई। क्या? सर हमने कुछ नहीं किया, वो भी सर हम अपने बेस्ट फ्रेंड की मॉम के साथ ऐसा करेंगे? सर हमने कुछ नहीं किया सर, सर हम चाहते थे कि हमारे हमारी फ्रेंड की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। इस मिथी को लेके आओ, देखते हैं अब इसे क्या कहना है। दीदी कहाँ जा रहे हो? तो दूध खत्म कर, मैं तब तक आती हूँ। पुलिस अंकल आप? दीदी घर पर नहीं है। कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता, आज नईमा घर पे आई थी, उसके बाद दीदी कहीं चली गई। बेटा बेटा शांत हो जाओ, मिथी शांत हो जाओ। क्या चल रहा था, आवाज कैसी आ रही थी? चिनी हो तुमने मीठी को घर में बंद करके मारने की कोशिश की, अब बताओगे या हम उगलवाएं? मैं बताता हूं। मीठी मीठी मैंने जो कुछ भी किया सेल्फ डिफेंस में किया, ना मैंने अंजलि को मारा और ना ही मैंने मिथी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया। बेटा बताओ तुमने क्यों अपनी माँ को किडनैप किया और अपने पापा पे हमला किया? सर मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मम्मी शराब छोड़ दें। और फिर श्रुति आंटी ने कहा कि मम्मी को सिर्फ पापा ही मार सकते हैं क्योंकि वो हमें अपने साथ ले जाना चाहते थे, वो मम्मी से नफरत करते थे और इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। राज सर, ये श्रुति का एंगल हमारी कहानी का वो मोड़ है जो हमें मंजिल तक लेके जाएगा। श्रुति को लेके आओ। यस सर। मिथी को तुमने ऐसा क्यों कहा कि सतीश ने अंजलि को मारा है? अगर कोई शक था तो हमारे पास आ सकती थी तुम। सतीश ने पहले अंजलि की जिंदगी बर्बाद की फिर मेरी जिंदगी। अंजलि से तो उसने छुटकारा पा लिया था लेकिन बच्चों को नहीं भूल पा रहा था और वो बच्चों को फिर से हासिल करना चाहता था, इसलिए मैंने मिथी से कहा कि तुम्हारी मम्मा को तुम्हारे पापा ने ही मारा है और वो तुम्हें भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा। बड़े दुख की बात है श्रुति, छोटे बच्चों से कितना बड़ा जुर्म कराने वाली थी तुम। मासूम बच्चों का अपनी मां से बिछड़ने का दुख क्या होता है समझती हैं आप? आप नहीं समझ सकती। ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये बॉडी अंजलि की है। मरने से पहले उसके साथ रेप किया गया फिर उसे जलाया गया। मुजरिम ना अगर केतन है, ना मीठी और उसके दोस्त, ना सतीश, ना श्रुति, तो फिर वो कौन हो सकता है जिसने ये किया? सर ये जंगल के पास का सीसीटीवी फुटेज लगाओ। ये ब्लैक कलर की सेडान इसी रास्ते से जंगल की तरफ जा रही है। पता करो
ये कार किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? सर सर ये है कार, चेक करो अच्छे से। सर ये देखिए, पकड़ो इसे। सर बताता हूँ। वॉचमैन जी मैडम, शराब के लिए 200 रुपए चाहिए, मैं बाद में लौटा दूंगी तेरे को। अरे मेरे पास पैसे नहीं मैडम। देखना। हाँ क्या हुआ? अरे साहब वो अंजलि मैडम है, वो पैसे मंगा रहे। अच्छा ये लो ऑटो वाले को दे दो, मैं देखता हूँ। जी साहब। आइए अंजलि आप मेरे साथ आइए। कहाँ? आइए तो सही, मैंने आपके लिए बढ़िया शराब का इंतजाम किया है, आइए पीने में मजा आएगा आपको। आइए आइए। ये कहाँ ले आया? ये अपनी जगह, अपना गैरेज है, आओ बैठो बैठो। वो शराब दे रहा हूँ अभी, बस अभी देता हूँ। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी और हम लोग बहुत डर गए थे कि अगर पोल खुल गई तो सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। जुर्म पे चाहे जितने भी पर्दे डाल दो, वो सच को छुपाने के लिए काफी नहीं होता। तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें सजा तो मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि फांसी हो तुम। केतन को मोलेस्टेशन और मिश्रा और गार्ड को बलात्कार और हत्या के आरोप में दोषी पाया गया और उन पर कानूनी कार्यवाही चल रही है। सतीश और श्रुति का अब तलाक हो चुका है और मिथि और साहिल अब अपने पिता के साथ रहते हैं। कहते हैं कि हमारा भविष्य हमारी आदतों के हिसाब से तय होता है और हमारा भविष्य तभी बदल सकता है जब हम अपनी आदतें बदलें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।